इवनिंग ऑल ऑफ यू, माई सेल्फ माहम जावेद। तो आज हम बात करते हैं सोशल मीडिया की। सोशल मीडिया एक विशाल नेटवर्क है जो एक वर्चुअल वर्ल्ड बनाता है। सोशल मीडिया पर आप इंटरनेट के माध्यम से पहुंच बना सकते हैं। सोशल मीडिया ने सारे संसार को एक जगह लाकर खड़ा कर दिया है। जो सोशल मीडिया पर बहुत तेज़ी से सूचनाओं का आदान प्रदान किया जाता है, जिसमें हर क्षेत्र की सूचनाएँ सम्मिलित होती हैं। सोशल मीडिया पर आप अपने मन की बात दुनिया के सामने रख सकते हैं। सोशल मीडिया ने कई लोगों के हुनर को पहचाना है। इस पर केवल आप अपने मन की बात नहीं रख सकते हैं, सोशल मीडिया देश विदेश में हो रही घटनाओं को भी आपके सामने लाकर रखता है। सोशल मीडिया संचार का अच्छा माध्यम है। सोशल मीडिया का आज शिक्षा के क्षेत्र में बहुत महत्व है, जिससे टीचर्स और स्टूडेंट आपस में जुड़कर शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं। सोशल मीडिया को अगर रिलेशनशिप नेटवर्क कहा जाए तो भी गलत नहीं होगा, क्योंकि यह सारे संसार को एक जगह रखकर जोड़ कर रखता है। सोशल मीडिया ने देश की एकता, अखंडता और समाजवादी गुणों में वृद्धि की है। हम ऐसे कई उदाहरण देखते हैं जो इस बात को सिद्ध करते हैं। 2019 का आम चुनाव, जिसमें सरकार ने जमकर सोशल मीडिया का प्रयोग किया, जिससे आम जन और हमारे युवा जागरूक हुए और वोटिंग प्रतिशत बढ़ा। ऐसे ही निर्भया कांड, जिस पर केवल सड़कों पर ही नहीं सोशल मीडिया पर भी इसकी जमकर लड़ाई की गई। इससे सरकार एक मजबूत और प्रभावशाली कानून बनाने पर मजबूर हुई। सोशल मीडिया के जरिए ही देश विदेश में रहकर पढ़ाई या व्यवसाय कर रही संतानें अपने माँ बाप से आमने सामने बातें कर सकती हैं। अब बात करते हैं सोशल मीडिया के दूसरे पहलू, यानी कि नकारात्मक प्रभाव। तो इसके काफ़ी नकारात्मक प्रभाव भी हैं, जैसे सोशल मीडिया का ज़्यादा यूज़ करने वाले लोग अकेलेपन का शिकार हो जाते हैं। वे अकेले में रहना पसंद करते हैं, जिससे काफ़ी टाइम वेस्ट होता है। साइबर क्राइम सोशल मीडिया की बहुत बड़ी समस्या है। सोशल मीडिया दूर बैठे को तो पास लाया, पर पास बैठे हुए लोगों में दूरियाँ बना दी। यही वजह है कि आज जब भी किसी समस्या का समाधान चाहिए होता है तो अपने बड़ों से ना पूछकर डायरेक्ट गूगल अंकल से पूछा जाता है। और हम अक्सर देखते हैं रोड पर पड़े घायल व्यक्ति की फ़ोटो जल्द से जल्द वायरल हो जाती है, पर उसको आगे बढ़कर कोई मदद करके हॉस्पिटल ले जाने नहीं आता। आज के युवा और बच्चे भी सुबह उठकर ग्रुप में गुड मॉर्निंग कहना नहीं भूलते, ये सोचे बिना कि घर के दूसरे कमरे में उनके इसी एक लफ्ज के लिए उनके माँ बाप तरस रहे हैं। तो मैं ये नहीं कहती कि सोशल मीडिया गलत है या उसका प्रयोग ना करें। उस पर अच्छी बातों का भी प्रचार प्रसार हो रहा है, उनको भी अपने जीवन में उतारें। सोशल मीडिया का सदुपयोग करें, दुरुपयोग ना करें। उसके और अपने मध्य इतनी जगह ज़रूर छोड़ें जिसमें अपनों की मुस्कान और हमारी संस्कृति समा सके। और मैं यही कहना चाहूँगी कि थोड़ा सतर्क और जागरूक रहकर सोशल मीडिया का प्रयोग करें। अपने पर्सनल डिटेल्स, ईमेल आईडी, पासवर्ड वगैरह किसी के भी साथ शेयर ना करें। एंड थैंक यू सो मच।